होप सो कि आप सबने ये कंटेंट्स देखे हुए हैं और जो असाइनमेंट मैंने पोस्ट किया था वो भी आप लोगों ने देखा हुआ है। कल हमारा फर्स्ट सेशन था। फर्स्ट सेशन में हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया था जो कि उसका मैं बता दूं आपको, काउंटर ऐप फ्लटर। फ्लटर में एक काउंटर ऐप हमने बनाया था, ये जो ऐप आपको नजर आ रहा है। सो जब आप एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो सही यही सेम एप्लीकेशन आपके पास दोबारा, इसी का कोड आपके पास ऑटोमेटिकली वो गिटहब से डाउनलोड हो जाता है आपके प्रोजेक्ट में। यही एप्लीकेशन हमने दोबारा से रिक्रिएट किया था। और हमारे आज का जो एजेंडा है, हमने एक और एप्लीकेशन बनाना है छोटा सा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट हम थोड़े से जो एडवांस टॉपिक्स है उसमें वो डिस्कस करेंगे। सही, तो जिन लोगों ने कल का सेशन मिस किया था, आई थिंक इस सेशन में एक है जिन्होंने कल का सेशन मिस किया था, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा सेशन को, तो जिन्होंने कल का सेशन मिस किया था उनके लिए मैं थोड़ा सा ये करूंगा कि जो चीजें मैंने कल डिस्कस की थी वही मैं दोबारा से री एक्सप्लेन कर दूंगा सेशन के साथ साथ ऐप बनाते हुए। सही है। सो लेट्स डाइव इन कि हमने आज क्या बनाना है और उसको कैसे बनाना है। ओके, तो हमने बनाना है क्विजलर, क्विज ऐप बनाना है। सही है। फर्स्ट हम गिटहब पे जाते हैं और जो ऐप हमने बनाना है उसका मैं डिजाइन ले आता हूँ आप लोगों के सामने। ओके, सो हमने बनाना है ये एप्लीकेशन जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें क्या है, एक क्विज ऐप है सिंपल सा। सही है। इसमें दो बटन्स हैं और एक हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट का विजेट है, क्लियर। और यहाँ पे नीचे हमारे पास जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि कौन सा आंसर आपका सही था, कौन सा आंसर आपका गलत था, मतलब स्कोरिंग आपकी यहाँ पर डाउन हो रही है। तो इस एप्लीकेशन का हमने यूआई डिजाइन करना है और उसके बाद हमने कुछ इसमें डमी क्वेश्चंस डाल के टेस्ट करना है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस सिंपल एप्लीकेशन को हम आज दोबारा से रिक्रिएट करेंगे। आई होप सो इट्स क्लियर। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो फ्लटर प्रोजेक्ट जो है ना, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। सही है। और यहाँ से आप एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आप फ्लटर एप्लीकेशन सेलेक्ट करें यहाँ से और इसके बाद आप यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का नाम होगा और जो बाकी फील्ड्स हैं उसको ज्यादातर ज्यादा एडजस्ट करने की, मतलब वो ऑलरेडी एडजस्टेड होंगे तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर ये एसडीके के पाथ का मसला आ रहा है तो उसका तरीकेकार ये है कि आप जस्ट जहां पर आपने फ्लटर की एसडीके इंस्टॉल की है, लेट्स सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने फ्लटर की एसडीके इंस्टॉल की हुई है डॉक्यूमेंट्स, और वहां पर फ्लटर। सही है। डॉक्यूमेंट्स और फ्लटर के अंदर मैंने वहां पर इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं जस्ट ये फ्लटर का फोल्डर सेलेक्ट करके यहाँ तक जो डायरेक्टरी बन रही है उसी को आप ओपन कर लें वहां पर, तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सही है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं फ्लटर एसडीके का पाथ यहाँ पे नहीं होता, तो आप वहां से फ्लटर एसडीके का पाथ यहाँ पे डालना है आपने। सही है। जब हम पाथ वेरिएबल में ऐड करते थे तो यहाँ पर हमने आगे स्लैश बिन लगाना होता था। सही है। तो स्लैश बिन के बगैर तक आप लोग जो फ्लटर की जो डायरेक्टरी है वहां तक आप उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके बाद आपको जो ये प्रोजेक्ट लोकेशन है, अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन। आपकी मर्जी है इसको चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, बट एनी हाउ द अदर थिंग इज द पैकेज नेम ओवर हियर। सही है। मोबाइल, जिस तरह हमारे पास वेबसाइट्स होता है उसका एक यूनिक डोमेन नेम होता है, जिस तरह google.com है, www.google.com है, तो एक यूनिक डोमेन नेम है। सही है। तो वो डोमेन नेम कोई और यूज नहीं कर सकता। और हमारे पास जो एप्लीकेशन होते हैं सेम उसी के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर पैकेज नेम होता है। हर एप्लीकेशन का एक यूनिक नेम होता है जिसको हम बोलते हैं पैकेज नेम। सो दिस इज द पैकेज नेम। एंड पैकेज नेम का सीन हमारे पास कुछ यूँ होता है कि हम यहाँ पर पैकेज नेम किस तरह बनाते हैं। फर्स्ट में हम कॉम उल्टा लिखते हैं इसको, जिस तरह google.com है ना, तो कॉम एंड में आ रहा है, इसमें हम कॉम से स्टार्ट करते हैं। सही है। तो कॉम डॉट, हम फिर कंपनी का नाम मेंशन करते हैं एंड देन एप्लीकेशन का जो नाम है, लेट्स सपोज। सही है। एंड ऐप का जो नेम है। सो दिस इज हाउ वी मोस्ट ऑफ द टाइम हम पैकेज नेम बनाते हैं। सही है। लेट्स सपोज मेरी कंपनी है तो उसका नाम है एंटोनेक्स, एंड जो हम ऐप हम बना रहे हैं उसका नाम है क्विजलर। सही है। तो मैं क्विजलर बना रहा हूँ। सो दिस इज द कंपनी नेम एंड दिस इज द एप्लीकेशन नेम।
जरूरी नहीं है कि यही हो, आप चेंज भी कर सकते हैं, कंपनी नेम की बजाय कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर हैप्पी नेम की बजाय आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, सही है। बट एनी हाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सो दिस इज डन। अनदर थिंग इज जो आपका एप्लीकेशन की एप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन है उस पर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, सही है। तो आपने जो जिस कीवर्ड्स वगैरह के लिए, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है एप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज मेरा एप्लीकेशन है वो है टूरिज्म से रिलेटेड, तो टूरिज्म के बारे में अगर कोई सर्च करेगा गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन, तो किसका कैप कोई किसका एप्लीकेशन टॉप पे आएगा, जिस तरह हमारे पास वेबसाइट के लिए एसईओ होती है, तो मोबाइल एप्स के लिए हम यूज करते हैं एएसओ, तो एएसओ में इसका बहुत ज्यादा किरदार होता है। तो आपने वो कीवर्ड्स यहाँ पे डालने हैं जो आपने मोस्टली टारगेट करना है, सही है। एंड इसके बाद आप फिनिश कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, सही। तो हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट करने का एक प्रोसेस ये है। जो दूसरा प्रोसेस है, जो दूसरा तरीके का है, वो है कमांड लाइन के थ्रू, क्लियर। आप अगर अपने आप विंडोज का जो सीएमडी है उससे आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास मैक का टर्मिनल है उससे मैं क्रिएट करूंगा। तो फ्लटर कमांड है, फ्लटर क्रिएट, और आप आगे एप्लीकेशन का नाम देना, सही है। मैं देता हूँ क्विजलर, इसके आगे और भी पैरामीटर्स आप डाल सकते हैं, पैकेज नेम डाल सकते हैं, आपने आईओएस के लिए कौन सा आईओएस के लिए आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आईओएस में आपके पास जो है ना दो ऑप्शन है, स्विफ्ट है और ऑब्जेक्टिव सी है, एंड सेम फॉर एंड्रॉइड, एंड्रॉइड में आपके पास जावा है और कॉटलन है, तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ पे आगे लगा सकते हैं, बट राइट नाउ हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप जस्ट flutter.dev के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे थोड़ा सा रिसर्च करें, आपको मिल जाएगी ये सारी जितने भी कमांड्स हैं, बस कमांड को याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगी, सही है। जस्ट प्रोसेस को समझे, सो दिस इज हाउ, और आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका एक फ्लटर प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सॉरी, मैंने गलत डायरेक्टरी में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है, बट एनी हाउ मैं वहीं से उठा के इसको मैं यहां से उठा के मैं डालता हूँ यहाँ पे गेट के अंदर, चलिए एनी हाउ उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर, चलिए। तो ये देखें आपके पास यहाँ पे क्विजलर के एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे आ गया है। अब इसी प्रोजेक्ट को मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन करता हूँ, तो आप जस्ट यहाँ पे आके ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इन एंड्रॉइड स्टूडियो, और यहाँ से आप जिस डायरेक्टरी में है वो सेलेक्ट कर लें। तो मैंने अभी इसको ई एप्पल के अंदर क्रिकेट के अंदर यहाँ पर क्विजलर ये एप्लीकेशन है, सही है। तो इसको आप ओपन कर लें यहाँ से, सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन था वो ओपन हो गया है। इसको हम रन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, सही है। अब ये जो एप्लीकेशन है, ये जो आपको कोड नजर आ रहा है, ये सारा इस एप्लीकेशन का कोड है, ये आपको ऑटोमेटिकली बॉयलर प्लेट कोड मिल जाता है इसका। सो ये जो कोड आपको आपको वहां पे दिख रहा था वो इस एप्लीकेशन का कोड है। इसको हम रन करेंगे, देखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन हमारे फोन पे ये ऐप रन हो रहा है या नहीं, हम जो डिवाइस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। और उसके लिए मैं ओपन करता हूँ वाइजर। अच्छा, वाइजर हमारे पास जो है ना एमुलेटर नहीं है, ये जस्ट स्क्रीन शेयरिंग का टूल है। मैं असल में मैंने यहाँ पर अपना फोन कनेक्ट किया हुआ है एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ, और मैं अपने फोन को यहाँ पर जस्ट शो कर रहा हूँ, सही है। उसका स्क्रीन मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सो दिस इज ओके, एप्लीकेशन को मैंने रन कर दी है, यहाँ से ये ग्रीन बटन था, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा, सही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, साथ साथ आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। मैंने असाइनमेंट्स जो पोस्ट किए थे लास्ट वीक भी पोस्ट किए थे, और इस वीक के स्टार्ट में भी पोस्ट किए थे कुछ थोड़े से असाइनमेंट जो डार्ट बेसिक्स से रिलेटेड थी। आई होप सो कि आप सबने कवर किया हुआ है उसको। फिर हमने फिर एक असाइनमेंट मैंने पोस्ट किया था विजेट से रिलेटेड, बेसिक विजेट्स, विजेट्स एंड टाइप्स ऑफ विजेट्स इन फ्लटर, तो वो मैंने पोस्ट किया था। एंड उसके बाद जो है ना तो आई होप सो कि आप सबने वो देखे हुए हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक का पता है कि विजिट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो
और जो कल के सेशन में मैंने उसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो आई होप सो कि विजिट्स का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर है, बट एनी हाउ उसको मैं रिपीट कर रहता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। तो विजिट हमारे पास जो UI कंपोनेंट्स है उसको हम विजिट्स बोलते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास स्क्रीन है और स्क्रीन के अंदर मेरे पास क्या है, टेक्स्ट विजिट्स है। लेट्स सपोज अब ये स्क्रीन है, तो इसमें ये देखें ये टेक्स्ट है, इसमें बटन है, इसमें ऐप बार है, तो ये ऐप बार भी एक विजिट है, ये टेक्स्ट हमारे पास एक विजिट है, ये जो फोर लेकर आ रहा है ये भी हमारे पास एक विजिट है, ये बटन हमारे पास एक विजिट है, सही है। तो जो UI कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं उसको हम विजिट्स बोलते हैं। और फ्लटर में क्या है, फ्लटर में जो भी चीजें हैं सब सब एज अ विजिट कंसिडर होता है। आपका जो पूरा एप्लीकेशन है वो एक कंप्लीट एक विजिट होता है, सही है। फिर उस विजिट के अंदर मल्टीपल विजिट्स आती हैं। अब हमारा एप्लीकेशन है तो उसके अंदर मल्टीपल स्क्रीन होती है, तो एप्लीकेशन बजाते खुद एक विजिट है, एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीन है तो स्क्रीन भी एक विजिट है, सही है। अब स्क्रीन के अंदर जो UI कंपोनेंट्स है वो भी हमारे पास विजिट्स है। तो फ्लटर के बारे में यही हम कहते हैं कि यार ईच एंड एवरीथिंग इज अ विजिट इन फ्लटर, सही है। तो अब जो जो क्लासेस आप बनाते हैं वो भी एज अ विजिट ही कंसिडर होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अबाउट विजिट्स इन फ्लटर, सो ईच एंड एवरीथिंग इज विजिट्स। फिर हमारे पास जो दूसरी चीज है वो है, फिर विजिट्स हमारे पास जो मोस्ट जो टॉप कैटेगरी आती है उसमें वो दो है, एक हमारे पास है स्टेटलेस विजिट्स एंड दूसरे हमारे पास है स्टेटफुल विजिट्स। कल मैंने डिस्कस भी किया था उसको, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। स्टेटलेस विजिट्स हमारे पास वो विजिट्स हैं जो रन टाइम पे उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सही है। लेट सपोज मेरे पास स्क्रीन है, ये जो एप्लीकेशन है लेट सपोज, सही है। अगर मैं यहाँ पर स्टेटलेस विजिट यूज करूंगा तो इस स्क्रीन पे जो जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, लेट सपोज ये एप्लीकेशन है ये वाला, तो अगर मैं स्टेटलेस विजिट यूज करता हूँ तो इस स्क्रीन पे, तो ये जो नंबर है इसको मैं अपडेट नहीं कर सकता रन टाइम पे, मुझे एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए। मतलब लेट सपोज अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू अपडेट नहीं होगी अगर मैंने यहाँ पर स्टेटलेस विजिट यूज किया हुआ है, सही है। तो स्टेटलेस विजिट में क्या होता है कि वो रन टाइम पे जो UI उसमें जो UI है वो अपडेट नहीं होगा, सही है। दूसरा हमारे पास जो टाइप है वो है स्टेटफुल विजिट। तो स्टेटफुल विजिट हम उन केसेस में यूज करते हैं जहां पर हमने रन टाइम पे UI अपडेट करना होता है, सही है। अब इस स्क्रीन के लिए मैंने कौन सा विजिट यूज करना होगा, मैंने स्टेटफुल विजिट यूज करना होगा क्योंकि मैं जब इस बटन पर क्लिक करता हूं तो ये वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, सही है। अब ये वैल्यू कैसे अपडेट होगी उसके लिए मुझे स्टेटफुल विजिट चाहिए, क्लियर। तो जो दो मेन कैटेगरीज हमने हुआ हमारे पास है स्टेटफुल विजिट एंड स्टेटलेस विजिट। अब स्टेटफुल हमने यूज कहाँ पे करना है और फिर स्टेटलेस हमने कहाँ पे यूज करना है उसका मैं अभी जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें दोबारा से उसको मैं रिपीट कर दूंगा, सही है। उसको मैं रिपीट टेलीकास्ट कर दूंगा। सो अंटिल देन मैं जो एक्स्ट्रा कोड है उसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, एंड देन जब एप्लीकेशन हमारा रन होगा उसके बाद जितने भी कोड आपको लेकर नजर आ रहा है इसको मैं रिमूव करके हम दोबारा से जो हमारा आज का टारगेट एप्लीकेशन है उसको बनाने की तरफ हम मूव करेंगे, सही। एप्लीकेशन रन हो चुका है, आप सबको मुबारक हो। अगर आप यहाँ तक अपना एप्लीकेशन रन कर लेते हैं तो आप अपने आप को कंग्रेचुलेट करें कि आप एक ऐप डेवलपर बन गए हैं, सही है। अब बाकी आगे बात होती है कि आप अच्छे डेवलपर हैं या अच्छे डेवलपर नहीं है, तो वो भी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे और आप कितना अपने नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से अपडेट हो रही है। आज लेट सपोज अगर मैं दो महीने खुद मैं पर्सनली फ्लटर में काम नहीं करता, जब मैं आऊंगा वापस फ्लटर पे तो इतनी सारी चीजें अपडेट हुई होगी कि मेरे लिए खुद मुश्किल होगा चीजों को अपडेटेड चीजों को समझना उस टाइम पे। तो अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल जो हमारा टेक सेक्टर है उसमें, क्योंकि डेली के बेसिस पे चीजें चेंज हो रही है। सो ये जो कोड आपको लिखा नजर आ रहा है ये आपके पास इस एप्लीकेशन का है, सही है। इस पर सपोज अगर आप क्लिक करते हैं ना बटन पे, ये जो वैल्यू आपकी ये अपडेट हो रही है। सो दिस इज अकाउंटर एप्लीकेशन। तो जब आप स्टार्ट में एप्लीकेशन अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये काउंटर का जो एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाएगा, सही है। मतलब ये कोड ऑलरेडी गिटहब पे मौजूद है, जो फ्लटर की रिपोजिटरी है वहां से ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है एज अ टेम्पलेट प्रोजेक्ट, सही। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बेसिक आइडियाज ऑफ एन एप्लीकेशन, सही है। इसके लिए मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, क्लियर। मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैं दोबारा स्क्रैच से बनाऊंगा अभी। जिस तरह आप लोगों को पता हो अगर आप लोगों ने C++ में भी काम किया हुआ है या किसी भी और लैंग्वेज में काम किया हुआ है
तो हमारा एप्लीकेशन, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट होता है मैन मैन से, सही है। तो यहाँ पर भी सेम सीन है, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है मैन से। सो अब मैन में हमने क्या करना होता है, फ्लटर में हमने रन करना होता है एक एप्लीकेशन, सही है, रन रन ऐप, सही है, हमने एक एप्लीकेशन रन करना होता है, सही है। अब क्योंकि हमने कोई एप्लीकेशन बनाया नहीं है तो उसको कैसे रन करेंगे, सही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एप्लीकेशन के लिए एक क्लास बनाते हैं, सही है, जिसको मैं नाम देता हूँ, उसको मैं करता हूँ स्टेटलेस विजेट, सही है। ये सारे जो शॉर्टकट्स हैं, अगर आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है ना, तो आप STLESS देखेंगे तो आपके पास एक स्टेटलेस विजेट की क्लास बन जाएगी, सही है। तो ये मेरे पास अभी एक स्टेटलेस विजेट की क्लास बन गई है। तो यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ माई ऐप। तो यहां तक का जो कोड है ये आपको ऑटोमेटिकली शॉर्टकट्स के थ्रू मिल जाएगा, सही है। सो दिस इज माय ऐप। तो ये मेरे एप्लीकेशन का एक विजेट है, सही है। इसकी टाइप कौन सी है, इसकी टाइप जो है ना वो स्टेटलेस विजेट है, क्लियर। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक एम्प्टी कंटेनर रिटर्न कर रहा है, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। बट फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर किसको रन कर देता हूँ, मैं माई ऐप को रन कर देता हूँ, सही है। लेट्स सपोज को मैं क्या करता हूँ, रिस्टार्ट करता हूँ अपने एप्लीकेशन को पूरा, तो मैं सारा कोड रिमूव कर दिया है वहां से। तो आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है, बट एप्लीकेशन में चूंकि कुछ भी नहीं है तो हमारे पास जस्ट वो ब्लैक जो ब्लैंक स्क्रीन है वो हमें नजर आ रही है, सही। अच्छा, जिस तरह मैंने बात की है कि फ्लटर में ईच एंड एवरीथिंग इज अ विजेट, उसमें दूसरी फिर बात यह है कि आपके पास जितने भी जो कॉमनली यूज्ड यूआई सिनेरियोस हैं आपके पास, तो वो विजेट्स ऑलरेडी फ्लटर में बने हुए हैं, आपने जस्ट उनको यूज करना है, सही। अब हमारे पास जो जो फर्स्ट विजेट हम यहाँ पे यूज करेंगे वो कौन सा है, वो हमारे पास है मटीरियल ऐप का विजेट, सही है। अब मटीरियल ऐप का विजेट है तो इसमें हमारे पास, अब जिस तरह एप्लीकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमारे पास एप्लीकेशन का विजेट है। अब एप्लीकेशन में हमें क्या चाहिए होता है, एप्लीकेशन का पूरा एक थीम चाहिए होता है, तो इसमें एक थीम का एक पैरामीटर है, उसमें हम अपना एक थीम कस्टम बना के यहाँ पर डाल सकते हैं, सही है। बट मैं इस पॉइंट की तरफ राइट नाउ नहीं जा रहा, इसको हम बाद में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे जब हम थोड़े से एडवांस टॉपिक पे जाएंगे, राइट नाउ सही है। इसमें हमारे पास एक और पैरामीटर होता है, उसको हम बोलते हैं होम। होम में हम क्या यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे हम उसको मेंशन करते हैं कि हमने फर्स्ट कौन सा स्क्रीन ओपन करना है। ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का विजेट है, इसको हमने बताना है कि हमने फर्स्ट कौन सा स्क्रीन आपको जो यूजर है उसको हमने डिस्प्ले करना है, सही है। तो स्क्रीन हमने यहाँ पर डिस्प्ले करना है, बट स्क्रीन हमने बनाई नहीं है, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक स्क्रीन के लिए एक क्लास बनाता हूँ, सही है। मैं उसको भी फॉर टाइम बीइंग स्टेटलेस रख देता हूँ, सही है। उसको मैं नाम देता हूँ माई होम, या उसको मैं देता हूँ नाम देता हूँ होम या एंटोन एक्स होम, ये चलिए उसको हम आसान कर देते हैं, होम पेज कर दिया है मैंने उसको, सही है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, होम पेज एक बना दिया है। अब मैं उस होम पेज को यहां पर यूज करूंगा, सही है। होम पेज की क्लास मैंने बना दी है, जो कि हमारे पास वो भी एक स्टेटलेस विजेट ही है, क्लियर। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजों की समझ आए साथ साथ। अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन अपने साथ लिख लें, सही है, या अपने या यहाँ पर जूम पे आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, सही है। आप हैंड रेस करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से आपका क्वेश्चन को मैं आपकी क्वेश्चन को मैं एंटरटेन कर सकता हूँ फिर यहाँ से, क्लियर। आई होप सो अंटिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। तो यहाँ तक हमारा हमने ऐप का एक विजेट बना लिया है, सही है, और ये हमारे ऐप की क्लास है, सही है। इसमें हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, इसमें हम रिटर्न कर रहे हैं मटीरियल ऐप। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज डिस्कस नहीं की, बिल्ड का जो फंक्शन है, सही है। अब हमारे पास ये स्टेटलेस विजेट है, सही है, इसमें जो बिल्ड का फंक्शन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा यूआई रेंडर करने के लिए स्क्रीन पर, सही है। तो यहाँ से हम वो चीज रिटर्न करेंगे जो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, सो दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग अ मटीरियल ऐप, सही है। सो दिस बिल्ड फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग द यूआई ऑन द स्क्रीन, क्लियर। आई होप सो इज क्लियर। एंड देन हम यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी वो कौन सी है, वो होम पेज है, सही है। आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन पे हम है या नहीं है, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ 8
होम पेज, सही है? ओके वेस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम गोना टेक योर क्वेश्चंस इन अ व्हाइल। ओके यहां पर लेट्स सपोज मैं आ गया हूं, तो यहां पर भी मैं प्रिंट कर देता हूं एट माय ऐप, सही है? इस एप्लीकेशन को मैं दोबारा से रीरन कर लेता हूं, और यहां पर टर्मिनल पे हम देखते हैं, सॉरी जो रन का टर्मिनल है वहां पे हम देखते हैं कि हमें यहां पर क्या नजर आता है, सही है? अब ये देखिए, अगर आप ये फर्स्ट मुझे बता रहा है कि मैं कहां पर हूं, मैं माय ऐप के फर्स्ट आपको आपके पास माय ऐप का विजिट बिल्ड होता है, सही है? फिर यहां पर ये होम पेज भी आ गया है, बट स्क्रीन पे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा राइट नाउ, बिल्कुल वो ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रहा है, सही है? और उसकी वजह यह है कि यहां पर हम जो रिटर्न कर रहे हैं, एक मिनट मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ये इस तरह कर दूं ताकि ये आपको नजर आए, जो मोबाइल स्क्रीन है वो आपको नजर आए यहाँ से। अच्छा अब मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये जो कंटेनर हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं ना होम पेज पे, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो हमारे पास जो बीच जो स्क्रीन है बैक साइड पे वो बिल्कुल ब्लैक है, सही है? उस वजह से हमें यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं इसको, चलिए इसको मैं कलर देता हूँ, कलर डॉट ब्लैक, सॉरी कलर डॉट व्हाइट, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो। ये देखें, अब हमारे पास ये जो विजिट है ना ये कंटेनर का, तो ये बिल्कुल हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको मैंने कलर दे दिया है कि कलर डॉट व्हाइट, सही है? सो दिस इज व्हाट वी हैव अंटिल नाउ। तो हमने क्या किया है यहां तक, फर्स्ट हमने माई ऐप का विजिट बनाया है, और उसके बाद हमने अपने अपनी जो फर्स्ट स्क्रीन है वो बनाई है यहाँ पर, सही है? ये हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन है, क्लियर? अगर आपने देखना है बस, चले एनीहाउ यहाँ तक काफी है। अब मैं आता हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ, कि आप लोगों का क्वेश्चन क्या है। आई थिंक ओएसए क्वेश्चन विजिट के लिए शॉर्टकट ऐप ने क्या यूज किया है। अच्छा शॉर्टकट जो है STLESS, अगर आप लिखते हैं तो आपको वो शॉर्टकट आपको ये नजर आ जाएगा, सही है? अगर आपने लेट सपोज स्टेटलेस विजिट बनाना है, तो आप जस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में है तो STLESS लिखते हैं तो आपको नीचे ये ब्लू नजर आ ब्लू आ जाएगा, उस पर आप इंटर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्टेटलेस विजिट बन जाएगा, सही है? अगर आपने स्टेटफुल बनाना है तो STFUL, तो आपका स्टेटफुल विजिट का पूरी एक क्लास ऑटोमेटिकली बन जाएगी आपके लिए, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सही है? याद करने से इसका फायदा नहीं होगा आपको, फायदा किससे होगा, प्रोसेस को समझने से आपको फायदा होगा, तो आप प्रोसेस समझें यहाँ पे, सही है? सो वी जस्ट हैव अ कंटेनर ओवर हियर, सही? यहां तक तो हम आ गए हैं। अब हमारे पास जैसे एक बिल्कुल ब्लैंक कंटेनर है स्क्रीन पर, सही है? बट हम क्या करते हैं, यहां पर हमने एक विजिट यूज करना है जिसको हम बोलते हैं स्केफल्ड, सही है? अब स्केफल्ड विजिट हमारे पास कौन सा विजिट है, वो हमें वो हमारी क्या हेल्प करेगा और क्या काम वो करेगा। अब यहाँ पर स्क्रीन को देख लें, ये जो हमारे पास यहाँ पर एक UI जो ऑलरेडी बना हुआ है स्क्रीन पे, ये देखें इसमें क्या है, हमारे पास एक ऐप बार है ऊपर टॉप पे, ये हमारे पास जो आपको व्हाइट नजर आ रहा है ये हमारे पास मतलब यहाँ पे भी कुछ कॉन्टेंट है। अब यहाँ पर एक बटन भी है फ्लोटिंग एक्शन बटन, सही है? तो यही जितनी भी चीजें हैं, ये पूरा स्क्रीन अगर मुझे चाहिए, सही है, इसमें ऐप बार भी हो, जिसमें जो है ना बॉडी का एरिया भी हो जहाँ पर मैं ये बाकी कंटेंट डिस्प्ले करूँ, उसमें फ्लोटिंग एक्शन बटन भी हो, कुछ और भी चीजें हैं जिसमें वो मौजूद है। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, एक एक तरीका तो ये है कि आप इसको कस्टम बना लें, सही है? आप खुद से एक ऐप बार बनाएं, आप खुद से एक बॉडी एरिया बनाएं, और आप खुद से एक बटन बनाएं, एक तरीका तो ये है। बट आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि फ्लटर में ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम, आपने जस्ट उसको यूज करना है और अपने यूज केस के मुताबिक उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, सही है? तो हमारे पास के लिए कौन सा विजिट मौजूद है, वो है उसको हम बोलते हैं स्केफल्ड, सही है? स्केफल्ड का विजिट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं जब अगर स्केफल्ड को यूज करूंगा तो ये मुझे एक्सेस देता है किन चीजों की। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके पैरामीटर्स में क्या क्या है, इसमें बॉडी एरिया है, इसमें ड्रॉअर है, इसमें बॉटम शीट है, इसमें बैकग्राउंड कलर है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें मौजूद है नीचे, बट उसको हम राइट नाउ डिस्कस नहीं करते। मैंने कुछ ही चीजें यूज करनी है यहाँ पर, वो मैं आपको यहाँ पे यूज करके आपको बताऊंगा, सही है? इसमें जो फर्स्ट है वो हमारे पास ऐप बार भी इसमें अवेलेबल है, सही है? लेट्स सपोज अगर आपको ऐप बार चाहिए तो ऐप बार का विजिट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, सही है? इसको मैं यूज करता हूँ,
तो आप लोग यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को देखें, यहाँ पर आपको एप बार शो हो गया है, सही है, एप बार आपके पास आ गया है। अगर आपको यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन चाहिए, फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारे पास, अगर आपने जीमेल में देखा हो, जो प्लस का बटन आपको नजर आ रहा होता है, वो बिल्कुल बाकी जो यूआई है उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, मतलब वो एक स्टैटिक पोजीशन पे होता है, सही है, उसको हम फ्लोटिंग एक्शन बटन बोलते हैं। सो अगर आपको फ्लोटिंग एक्शन बटन चाहिए तो यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन का जो कि रेगुलेटर है, उसमें फ्लोटिंग एक्शन बटन की आपके पास ऑलरेडी एक क्लास मौजूद है, उसको आप इसको पास कर दें, सेव कर दें। ये देखें आपके पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गई है यहाँ पर, सही है। इसके अलावा इसमें बॉडी एरिया होता है हमारे पास, सही है। तो ये जो एरिया है जो आपको व्हाइट नजर आ रहा है, ये इसका बॉडी एरिया है, सही है। लेट्स सपोज बॉडी एरिया में मैं क्या करता हूँ, मैं एक विजिट यूज करता हूँ, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मैं टेक्स्ट का विजिट एक यूज करता हूँ, सही है, और मैं आपको हेलो हेलो वर्ल्ड दिखा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे प्रिंट करके देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो आप ये देखें आपके पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया है, ये बिल्कुल बॉडी एरिया में आ रहा है हेलो वर्ल्ड जो है। अगर आपने उसको, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाए यहाँ पर, तो उसके लिए हम एक विजिट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंटर विजिट। सेंटर विजिट है उसका जो चाइल्ड का पैरामीटर है ना, उसमें आप ये दूसरा जो आपने टेक्स्ट का विजिट था वो उसमें डाल दें, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये वर्टिकली भी सेंटर में आ गया और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ गया है, सही है। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट दिस स्कैफोल्ड, सही है। थोड़ा सा हमने स्केफल्ड के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट थिंग है, हम जाते हैं, क्योंकि अभी जो हमने यूआई बनाना है आज का, उसमें हमारे पास ना ऐप बार है ना हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन है, सही है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, क्लियर। अगर आपने ये ऐप बनाना है तो इसमें आपको ऐप बार भी चाहिए, आपको फ्लोटिंग एक्शन बटन भी चाहिए, और यहाँ पर आपको जस्ट एक कॉलम चाहिए होगा। ये ऐप ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जो गेट हब का प्रोफाइल, जो गेट हब का लिंक मैंने शेयर किया था रिपोजिटरी का, उसमें ऑलरेडी ये अपलोडेड है, सही है। तो आज के सेशन के बाद जिन लोगों ने कल का सेशन मिस किया था, तो वो जो काउंटर एप्लीकेशन है वहां पे वो देख सकते हैं, उसको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल अंदाज में वहां पे किए हुए हैं, साथ में मैंने कॉमेंट्स वगैरह भी एड किए हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, सही है। तो जिन्होंने आज का सेशन मिस किया था, तो वो गेट हब पे जाके वो प्रोजेक्ट देख सकता है। So, until now, we don't need this app bar and floating action button, सही है? हमें just, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? For timing, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, बट अभी हमें चाहिए होगी। So, floating action button भी चली गई है और हमारा app bar भी यहाँ से remove हो गया है। अब हम आते हैं design की तरफ, कि हमारा design क्या कहता है? और हमने डिजाइन बनाना कैसा है, उसके लिए आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो डिजाइन को समझना होता है, सही है। अब लेट सपोज अगर मेरे पास ये डिजाइन है, तो उस डिजाइन को आपने ब्रेक डाउन करना है, इस डिजाइन को आपने समझना है कि आपने किस तरह इस डिजाइन को आप बनाएंगे, सही है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक मीडियम का जो आर्टिकल है उसी के थ्रू आपको मैं समझा देता हूँ कि हमने इसका, इसके लेआउट को समझना है और उसको उसको मैं एक्चुअली इस ऐप को मैं ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका हूँ, तो उस वजह से आपको मैं वही एप्लीकेशन दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ ये एप्लीकेशन, सही है। यहाँ पर इसका कोड भी मौजूद है, यहाँ पे ये ब्लॉग भी आप लोग देख सकते हैं, सही है। सो हमारे पास ये एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन का जो यूआई है, यूजर इंटरफेस है, इसको हमने थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना है फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर देख लें, आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट का विजिट नजर आ रहा है, यहाँ पे दो बटन है, यहाँ पे एक दो बटन है ट्रू एंड फॉल्स के, आपके पास फिर यहाँ पे ये नंबर ऑफ चेकबॉक्स टिक एंड क्रॉस नजर आ रहा है, सही है। इसको हम थोड़ा सा ये ब्रेकडाउन कर लेते हैं, क्लियर। अब फॉर टाइमिंग इसको छोड़ दें। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट का विजिट है, दो बटन्स हैं और एक हमारे पास क्या है, एक रो है, सही है। मतलब जो आइकन्स हैं उसकी एक रो है यहाँ पर हमारे पास। सो अब हमने करना क्या है, इस टेक्स्ट विजिट को, दो बटन्स को, इस रो को हमने हमने जो है ना वो अरेंज करना है,
सही है, हमने यहाँ पर इसको अरेंज कर, इसका इसका लेआउट बनाना है। तो अब यहाँ पर हमें जरूरत आती है लेआउट विजिट्स की। सही है, अब लेआउट हम दो तरीकों से करते हैं, या उसको जो है ना हॉरिजॉन्टली लेआउट करते हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं चीजों को, जो विजिट्स हैं उनको, सही है, या उसको हम वर्टिकली अलाइन करते हैं, या जो अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है ग्रिड के फॉर्म में, कि हम उसको ग्रिड के फॉर्म में अलाइन करें। सही है, तो अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये वर्टिकली अलाइन है, जो टेक्स्ट का विजिट है, टेक्स्ट विजिट, ये बटन्स और ये जो रो है आपको नजर आ रही है, तो ये हमारे पास वर्टिकली अलाइंड है। सही, अब वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसकी तरफ आते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हमें एक विजिट है कॉलम, जिसको हम यूज करते हैं, जो जबकि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है, अब अगर आप लोग यहाँ पर ये टेक एंड क्रॉसेस देख लें, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम रो का विजिट यूज करते हैं। सही, अब आपको मैं जो है ना थोड़ा सा रो एंड कॉलम का समझा दूं। रो एंड कॉलम में जो समझने की चीजें हैं वो जस्ट उसका मेन एक्सिस है और क्रॉस एक्सिस है। सही है, उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा दोबारा से, कल ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट जो आज नए हैं उनके लिए थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ताकि उसको इस कंसेप्ट की समझ आ जाए, और जिन जिन्होंने कल पढ़ा था उनको भी थोड़ा सा वो रिपीट हो जाए चीजें, ताकि समझने में और भी आसानी हो जाए। सो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, मेरे पास है लेट्स सपोज एक रो है यहाँ पर, सो दिस इज अ रो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है ना। सही है, और मैं यहां पर क्या करता हूँ, एक कॉलम भी बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, ये कॉलम है जो वर्टिकल। सही है, तो रो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम हमारे पास वर्टिकल होता है। सही है, अब यहां पर रो एंड कॉलम में दो पैरामीटर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस। तो इन मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के अराउंड ही हम चीजों को अलाइन करते हैं। सही है, अगर लेट्स सपोज आपने कोई चीज सेंटर में अलाइन करनी है या टॉप एंड बॉटम पे अलाइन करनी है, तो उसके लिए हम ये दो पैरामीटर्स यूज करते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप इस एक कंसेप्ट को समझ लें। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एक्सिस है, सही है, और ये दूसरा एक्सिस है, सही। अगर आप देखते हैं ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। सही है, अब कॉलम के केस में, अब ये हमारा लेट्स सपोज कॉलम है, तो ये कॉलम हमारे पास एक्चुअली होता है वर्टिकल। सही है, तो वर्टिकल में फिर क्या है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, ये कॉलम के लिए मेन एक्सिस है और ये इसका क्रॉस एक्सिस है। सही है, ये मेन एक्सिस कॉलम के लिए और ये उसका क्रॉस एक्सिस। सही, अब हम आते हैं उसके केस में, रो के केस में। अब रो हमारे पास एक्चुअली होता है हॉरिजॉन्टल, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना वो रो के लिए मेन एक्सिस है, और जो वर्टिकल एक्सिस है ना वो उसके लिए क्रॉस एक्सिस है। बस जस्ट आपने इस कंसेप्ट को समझना है यहाँ पर, जब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कॉलम वर्टिकल है, तो जो वर्टिकल एक्सिस है वो उसका मेन एक्सिस है। सही है, रो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो उसका उसका मेन एक्सिस है। सही है, बस ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको समझने की जरूरत है यहाँ पर आपको। अगर आपको इस चीज की समझ आ गई है, तो हम जाते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। सही है, अच्छा, तो हम यहाँ पर हमने अलाइनमेंट करनी थी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखने, हमने अलाइनमेंट करनी है वर्टिकल। सही है, तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, मैं कॉलम यूज करूंगा। सही है, अब और यहाँ पर मैंने क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करनी है, हॉरिजॉन्टली इन विच जो आइकन्स हैं उनको मैंने अलाइन करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा रो का विजिट। तो हम आते हैं यहां पर, फर्स्ट इसका लेआउट बनाते हैं, क्लियर। यहां पर आप लोग देख लें, यहां पर क्या है, एक टेक्स्ट विजिट है, तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास एक दो बटन्स हैं और उसके अंदर रो ऑफ आइकन्स है। सही है, और यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, कॉलम यूज करूंगा, कॉलम। सही है, अच्छा, तो बॉडी एरिया में हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, आ रहा था यहाँ पर, ये देखें टेक्स्ट था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सही है, अब मैंने अलाइनमेंट करनी है किस तरह, वर्टिकल, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉलम, और कॉलम में हम हमारे पास जो एक पैरामीटर होता है, इसको चिल्ड्रन बोलते हैं, क्योंकि ये कॉलम को हम पास करते हैं मल्टीपल मल्टीपल विजिट्स को हम पास करेंगे ना, तो उसके लिए ये एक अरे ऑफ विजिट्स हमसे लेगा। सही है, तो चिल्ड्रन में आपने यहाँ पर, हमें अभी यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमें तीन विजिट्स चाहिए, बल्कि तीन नहीं, बल्कि चार विजिट्स चाहिए। एक हमारे पास ये
टेक्स्ट विजिट है, दो बटन्स हैं और एक हमारे पास रो ऑफ आइकन्स है, सही है। ये देख लें, हमारे पास टेक्स्ट विजिट, दो बटन्स और एक रो ऑफ आइकन्स, सही है। तो कॉलम के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें एक टेक्स्ट विजिट चाहिए होगा, सही है। इसको मैं कराता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन दिखेगा, सही है। अब कॉमा लगा के हमारे पास एक्चुअली अरे है, तो अरे अरे हम इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉमा लगा के हम नेक्स्ट जो विजिट है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, सही है। अब हमें यहाँ पर चाहिए बटन, सही है, और बटन के लिए भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है फ्लटर में। फ्लटर में हमारे पास जो है ना फ्लोटिंग एक्शन बटन भी है, उसके अलावा रेस्ट बटन भी है, उसके अलावा फ्लैट बटन भी है, उसके अलावा आइकॉन बटन भी है, सही है। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, हम उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप लोग यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर जो बटन है ये 3D टाइप आपको नजर आ रही है, तो एक रेस्ट बटन है, इसको हम रेस्ट बटन बोलते हैं, सही है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रेस्ट बटन, सही है। एंड हमें दो बटन चाहिए ना, तो इसको हमने कर दिया है, चले हमें दो रेस्ट बटन चाहिए और उसके बाद हमें एक रो चाहिए, सही है। और रो में क्या होगा, रो में भी रो एक्चुअली जिस तरह हमारे पास कॉलम है उसमें मल्टीपल विजिट्स हम दे सकते हैं ना चिल्ड्रन में, तो इस तरह हमारे पास रो है तो उसके अंदर भी मल्टीपल विजिट्स ही होते हैं। तो रो में हमें क्या चाहिए, आइकॉन्स चाहिए, सही है। तो आइकॉन्स के लिए हमारे पास जो आप अगर एंड्रॉयड नेटिव में काम कर रहे होंगे या अगर आप iOS नेटिव में किसी और प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो जो आइकन्स हैं वो आपको खुद से डिजाइन करने होते हैं, खुद से बनाना होता है, उसको फिर आप बाद में यूज करते हैं। जबकि फ्लटर में ये है कि आपके पास जितने मोस्ट ऑफ द आइकन्स आपके पास अवेलेबल हैं, सही है। कोई बहुत ज्यादा रेयर हो या कस्टमाइज आइकन अगर आपको चाहिए तो उसको उसे आपको खुद बनाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास जस्ट टिक एंड क्रॉस के आइकन्स हैं, तो हमारे पास वो आइकन्स ऑलरेडी मौजूद है। अब जस्ट यहाँ पे आइकॉन्स डॉट, तो एक हमारे पास टिक का आइकन है तो उसको हम बोलते हैं चेक आइकन है, सही है। और जो दूसरा आइकन हमें चाहिए वो कौन सा है, आइकॉन आइकॉन्स डॉट कैंसिल है ना, नहीं कैंसिल नहीं, क्लियर ना है उसका, सही है। तो ये दो आइकन हमें मिल गए हैं, एक टिक का आइकन है, सही है, और एक क्रॉस का आइकन है। तो दो आइकन्स भी हमें यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास। अब इसको मैं सेव करता हूँ तो आप लोग देख लें हमारे पास बटन्स भी आ गए हैं, टेक्स्ट भी आ गया है, बट यहाँ पर आप देखें वो स्टेटस बार से ऊपर चला गया हमारा जो क्वेश्चन है, ऊपर आपको जो टाइम नजर आता है और ये जो दूसरी चीजें हैं अलार्म या इंटरनेट कनेक्शन और जो आपके सिग्नल्स हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, सही है। तो ये ऊपर स्टेटस बार पे चला गया है, सही है। अब इसको नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक विजिट यूज होता है, इसको हम बोलते हैं सेफ एरिया। तो सेफ स्केफोल्ड को हम क्या करते हैं, उसके अंदर रैप कर लेते हैं। मतलब क्या कि हम एक, इसको मैं यहां से उठाता हूं, यहां पर मैं कौन सा विजिट यूज करता हूं, सेफ एरिया का विजिट यूज करता हूं, सही है। अच्छा, तो यहां पर मैंने सेफ एरिया का विजिट यूज किया है, सेव करता हूं इसको, ये देखें अब सेफ एरिया में आ गया है। ऊपर स्टेटस बार पे आपका कंटेंट स्टेटस बार पे नहीं जाएगा, सही है। और सेम फॉर iOS, कुछ कंटेंट हमारा नीचे जो दूसरा एरिया है वहां पे आ जाता है। तो अगर आप सेफ एरिया यूज करते हैं तो आपका कंटेंट ऊपर स्टेटस बार पे नहीं जाएगा। सो अब ये देख लें हमारे पास क्वेश्चन भी आ गया है, दो बटन भी हैं हमारे पास, वो रो ऑफ विजिट्स भी है, बट इसको अभी हमने कस्टमाइज करना है और जो जो कंटेंट हमें चाहिए इससे वो बनाना है, सही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं, सिर्फ एरिया के लिए मैंने क्या किया है, इस सारे कोड को मैंने यहाँ से उठा के कट किया है, पर वहां पे मैंने दोबारा से सिर्फ एरिया का विजिट बना के वहां पर मैंने पेस्ट कर दिया था, सही है। लेट्स सपोज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर आपको मैं एक शॉर्टकट का बताता हूँ, सही है। आप अल्ट पे प्रेस, लेट्स सपोज ये विजिट है, इसको इसको मैंने रैप करना है एक और विजिट के अंदर। आप यहाँ पे अपना कर्सर ले आए और Alt Enter प्रेस करें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ये क्या बता रहा है आपको कि रैप विद सेंटर, रैप विद कॉलम, रैप विद कंटेनर एंड मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पर। मैं तो यहाँ पे मैं करता हूँ रैप विद विजेट और उस विजेट को मैं कौन सा नाम देता हूँ, सेफ एरिया। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, सही है।
ओके सो दिस इज अनदर वे एंड शॉर्टकट, या इससे आपका जो डेवलपमेंट स्पीड है वो काफी ज्यादा हो जाएगा. ये जो शॉर्टकट्स हैं, अगर आपको ये शॉर्टकट्स याद होते हैं, अब हम आते हैं बटन्स की तरफ. सही, बटन्स तो बटन्स हैं, बट उसमें कुछ हमें नजर नहीं आ रहा कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा. उसके लिए हमें क्या चाहिए, बटन के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है चाइल्ड का. सही है, तो चाइल्ड में हम इसको एक टेक्स्ट पास करते हैं, उसको मैं क्या दूंगा, फर्स्ट बटन को, फर्स्ट बटन को मैं करता हूँ ट्रू. सही है, तो अगर आप इसको मैं सेव करता हूँ, आप देखें यहाँ पर आपको ट्रू नजर आ रहा है. सही है, और सेम मैं करता हूँ दूसरे बटन में भी. सही है, इसको भी यहाँ पर भी मैं एक टेक्स्ट फील्ड यूज करता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ फाल्स. ये देखिए आपके पास ट्रू एंड फाल्स यहाँ पर शो हो रहा है. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, ये बटन जो है ना, जैसे ये बटन पे क्लिक करते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ शो नहीं हो रहा कि मतलब क्या हो रहा है, बटन क्या काम कर रहा है. सही है, तो बटन, हर बटन के साथ एक फंक्शन होता है जिसको हम ऑन प्रेस्ड फंक्शन बोलते हैं. सही है, तो जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है. सही है, जो फ्लिकर का इंजन है वो मेथड को कॉल करता है. तो यहाँ पर हमारे पास वो अनप्रेस्ड का फंक्शन अवेलेबल है. सही है, आप इसको जस्ट, ये एक फंक्शन, इसको हम जस्ट, आप ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपने यूज करना है यहाँ पर. सही है, इस फॉर्मेट को हम, ये एक फंक्शन है जिसको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, तो ये एनोनिमस फंक्शन आपने यहाँ पर यूज करना है. सही है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं जस्ट प्रिंट करता हूँ कि ट्रू बटन प्रेस. सही है, और यहां पर मैं अनप्रेस्ड लगा के वहां पर भी यही सेम काम करता हूं. सही है, अनप्रेस्ड. सही है, मैं इसको सेव करता हूं और यहां पर हम देखते हैं कि बटन्स, ये देखें पहले हमारे पास जो बटन्स थे उसका कलर थोड़ा डिफरेंट था. जब इसको अनप्रेस पास नहीं कर रहा उसका मतलब होता है कि वो बटन डिसेबल होती है. सही है, तो अभी इसको हमने एनेबल कर दिया है. सही है, इसको हमने ऑन प्रेस का फंक्शन पास किया है. इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारे पास बता रहा है कि ट्रू बटन प्रेस. इसको चलें इसको सही करते हैं, फाल्स करते हैं इसको, तो फिर आपको सही अंदाजा होगा. तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें ट्रू बटन प्रेस. सही है, मैं फाल्स पे क्लिक करता हूँ तो बता रहा है कि फाल्स बटन प्रेस. सही है, तो ये वो कॉल बैक फंक्शन है जिसको आप फिर यूज कर सकते हैं. सो Until now, buttons का मैं थोड़ा डिस्कस कर दिया, जो क्वेश्चन है और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. सही है, अच्छा अभी हमने करना क्या है, जो नेक्स्ट स्टेप है, ये तो हमारे पास वर्टिकली अलाइंड है, बट हम जिस तरह इसकी अलाइनमेंट चाहते हैं, इसकी अलाइनमेंट उस तरह नहीं है. सही है, अलाइनमेंट हमें किस तरह चाहिए यहाँ पर, इसकी यहाँ पर हमें टॉप पे स्पेसिंग कुछ चाहिए. सही है, ये जो टेक्स्ट विजेट है ना, इसके ऊपर हमें कुछ स्पेसिंग चाहिए. तो उसके लिए हम जो वीड यूज करते हैं, हमारे पास एक मल्टीपल ऑप्शंस है, और मल्टीपल ऑप्शंस में से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है साइज्ड बॉक्स. सही है, तो साइज्ड बॉक्स क्या क्या करता है, उसको आप जितना हाइट या विड्थ देते हैं तो उतना स्पेस वो ले लेता है. लेट्स सपोज उसको मैं करता हूँ 250 स्पेस, उसको मैंने दे दिया. सही है, तो ये 250 पिक्सल होता है. इसको जब मैं सेव करता हूँ, ये देखें इसने उसको 250 की स्पेसिंग टॉप पे दे दी है. So, मतलब स्पेसिंग के लिए हम साइज्ड बॉक्स यूज कर सकते हैं. हमारे पास एक और ऑप्शन है पैडिंग की, तो पैडिंग का विजिट भी आप लोग यूज कर सकते हैं, बट हर एक विजिट का अपना एक यूज केस होता है, उस यूज केस के मुताबिक हम उसको यूज करते हैं. सही, अच्छा मैं साइज बॉक्स को यहाँ से हटा देंगे, आपको दूसरे ऑप्शन का भी बताता हूँ कि दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास ऊपर से स्पेसिंग देने के लिए. किसी भी विजिट को आपने स्पेसिंग देनी है, ये जो विजिट है ना इसको हम रैप करेंगे किस विजिट के अंदर, पेडिंग विजेट के अंदर. तो पेडिंग का विजेट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, उसको क्लिक करें तो इस विजेट को ऑटोमेटिकली वो रैप कर देगा एक पेडिंग विजेट के अंदर. सही है, और पेडिंग विजेट में हम यहाँ पर क्या देते हैं, एज इंसर्ट्स डॉट, मतलब अपने स्पेसिंग कहाँ पर देनी है और कितनी स्पेसिंग देनी है वो यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं. सही है, तो उसको मैं करता हूँ ऑल नहीं करता, मैं ओनली करता हूँ इसको. सही है, क्योंकि मुझे जस्ट टॉप पे स्पेसिंग चाहिए, और यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ टॉप, और टॉप पर मुझे कितनी स्पेसिंग चाहिए, मैं सपोज मैं रखता हूं उसको 200. तो ये देखना है इसने उसको स्पेसिंग दे दी है टॉप से भी. सही है, तो टॉप से उसको स्पेसिंग मिल गई है. सही है, अब जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरी जो कस्टमाइजेशन करनी है वो ये है कि जो बटन है, ये जो दो बटन है और ये जो दूसरा रो है, रो ऑफ दिस टिक एंड क्रॉस आइकन, ये बिल्कुल सेंटर पे है. सही है,
एक काम तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ से इसको स्पेसिंग दे दें, ये टेक्स्ट विजिट और इसको हम स्पेसिंग दे दें। मगर आप अगर आप ये टेक्स्ट विजिट को देख लें, ये जो टेक्स्ट विजिट है इसमें ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है, सही है। अगर इसको कोई कॉन्स्टेंट स्पेसिंग देते हैं तो जैसे ही वहां पर चेंज होगा तो ये विजिट्स कभी ऊपर आएंगे कभी नीचे जाएंगे, कभी कभी ऊपर आएंगे कभी नीचे जाएंगे, सही है। तो यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल स्पेस चाहिए, और फ्लेक्सिबल स्पेस हमें कितना चाहिए, जितना स्पेस दरमियान में मौजूद है वो इन दोनों में, मतलब वो यहाँ पर आ जाए, इन दोनों विजिट्स के दरमियान सारी स्पेसिंग आ जाए और ये जो बाकी विजिट्स हैं ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाए सेंटर पे, सॉरी बिल्कुल एंड पे, ये जो बाकी विजिट्स हैं बटन हैं और रो ऑफ आइकन्स हैं वो बिल्कुल सेंटर पे अलाइन हो जाए, सॉरी सेंटर पर नहीं बिल्कुल एंड पे, सही। तो उसके लिए मैं कौन सा विजिट यूज करूंगा, हमारे पास एक फ्लेक्सिबल एरिया के लिए हमारे पास विजिट है, उसको हम बोलते हैं स्पेसर। तो स्पेसर क्या करता है, स्पेसर ये करता है कि अगर आपने उसको कॉलम के अंदर यूज किया हुआ है तो वर्टिकली जितनी जितनी एक्स्ट्रा स्पेसिंग मिल रही है तो वो स्पेसिंग स्पेसर ले लेता है और आपके जो विजिट्स हैं उसको बिल्कुल एंड पे भेज देगा। ये देखें उसने मेरे जो विजिट्स हैं उसको बिल्कुल बिल्कुल एंड पे भेज दिया है और ये जो दरमियान में स्पेस था ना ये सारा स्पेसर ने ले लिया, जो स्पेसर का विजिट है ना वो स्पेसिंग सारी उसने ले ली। तो यहाँ तक हमारा जो मेन थोड़ा सा लेआउट था वो बन गया है, मतलब क्वेश्चन सेंटर मतलब यहाँ पर आ रहा है और जो बटन्स हैं और बाकी चीजें हैं वो बिल्कुल टॉप एंड बॉटम पे आ रही है, सही है। मतलब यहाँ पर ये सेंटर में मतलब टॉप के नजदीक आ रहा है, उसको हमने थोड़ी सी टॉप से पेडिंग दी है। अब होगा कि अगर आप जब स्पेसिंग स्पेसर यूज करेंगे तो ये जो स्पेस है ये आपके पास फ्लेक्सीबल होगी, सही है। आप अगर किसी दूसरे फोन का स्क्रीन यूज अगर दूसरा फोन यूज कर रहे हैं छोटा फोन तो उसमें भी उसको जितनी स्पेसिंग मिलेगी उसको एडजस्ट कर लेगा। अगर आप कांस्टेंट स्पेस रखते हैं तो आपके पास दो दो ऑप्शन आ सकते हैं, यहाँ पर दो मसले आ सकते हैं। अगर आपका फोन छोटा है जो जिस फोन पे आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये जो आपके पास नीचे विजिट्स हैं ये ओवरफ्लो हो जाएंगे, सही, मतलब स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे। अगर आपका स्क्रीन छोटा है तो ये विजिट्स आपको ऊपर नजर आएंगे, यहाँ पर आपको नीचे स्पेसिंग मिलेगी। तो स्पेसर क्या करता है, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको जितनी स्पेसिंग मिलती है वो ये एक्वायर कर लेता है और उसने यहाँ पर जितनी स्पेसिंग थी ना उसको एक्वायर कर दिया है और ये जो विजिट्स है इसको बिल्कुल इसने नीचे भेज दिया है। सो स्पेसर भी हमने डिस्कस कर लिया, रेस्ट बटन भी हो गए हैं, कॉलम भी हो गया है। अच्छा तो यहाँ तक हमारा मेन काम हो गया है। अब हमने यहाँ पर इस ये जो बटन्स हैं दो, ये अगर आप देख लें ये बिल्कुल स्ट्रेच हुए हैं स्क्रीन पर पूरे, मतलब पूरा जो स्क्रीन पे जितनी स्पेसिंग है ना हॉरिजॉन्टल वो उसने ली हुई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हमने स्ट्रेच करना है, सही है। उसका हम ये करते हैं कि हमारे पास ये जो कॉलम है ना, कॉलम इसकी जो क्रॉस एक्सिस है, अब हमें ये हम ये जो बटन है इसको हमने स्ट्रेच करना है कॉलम की क्रॉस एक्सिस पे, सही है। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रेच। जब सेव करता हूँ ये क्या, क्यों क्या मसला है भाई, क्रॉस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रेच। तो ये बटन देख लें ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली बिल्कुल स्ट्रेच होगा जितनी स्पेसिंग थी इसमें, ओके। सो तो जितनी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग थी वो इसने ले ली है। अब अगर आप लोग इस बटन्स को देखते हैं तो इसमें ये थोड़ी सी पैडिंग है, बटन थोड़े बड़े हैं मतलब वर्टिकली भी। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट विजिट है और जो बटन है इसके दरमियान थोड़ी सी पैडिंग मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट का विजिट यूज किया हुआ है, जो रेस का बटन है यहाँ पर, ये जो टेक्स्ट का विजिट है इसको क्या करते हैं, इसको हम पैडिंग विजिट के अंदर रैप कर लेते हैं और इसको हम सॉरी पैडिंग कंटेनर नहीं पैडिंग विजिट के अंदर पैडिंग और यहाँ पर इसको हम पैडिंग देते हैं डॉट ओनली। टॉप पे कितनी पैडिंग चाहिए इसको 20 एंड बॉटम में क्या क्या करता हूँ, बॉटम में भी इसको 20 पैडिंग दे देता हूँ, सही है। तो आप देख लें ये देखें, अब इसको ये जो टेक्स्ट है इसने पैडिंग ले ली है तो बटन आपका बड़ा नजर आ रहा है, सही है, आपका बटन बड़ा हो गया है। तो इसी सेम ऑप्शन को हम यूज करते हैं वहां पर भी, यहाँ पर इस टेक्स्ट को हम क्या 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 देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, सही है। और कितनी पैडिंग
पेरेंट चाहिए इसको, सही है। तो पेरेंट जब दे दिए हैं तो वो बटन सारा लग रहा है कि बिल्कुल एक साथ एक वो एक वो शीट लग रहा है यहाँ पर, सही है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इन दोनों जो बटन है इनके दोनों को जो कुछ हमें स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको स्पेसिंग दे देता हूँ। स्पेसिंग किस तरह करते हैं, साइज बॉक्स, वही आप साइज बॉक्स यूज कर रहे हैं, साइज बॉक्स, और इसको मैं हाइट देता हूँ हाइट इसको 10। तो इनके दोनों जो 10 की स्पेसिंग है वो साइज बॉक्स ले लेगा, और आपको दोनों बटन अलग अलग नजर आ रहे हैं, सही है। तो यहां तक हमारा हो गया है, स्पेसिंग भी हो गई है दोनों की। अब अगर आप क्वेश्चन को देख लें, जब मैंने स्ट्रेच किया था, जब यहां पर मैंने स्ट्रेच अप्लाई किया है इसको क्रॉस एक्सिस में, क्रॉस एक्सिस में जब स्ट्रेच मैंने अप्लाई नहीं किया था तो ये सेंटर में आ रहा था, ये जो क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट यहां पर इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या थी, वो सेंटर थी, तो उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया है तो वो लेफ्ट पे आ गया। अब इसको सेंटर में करने के लिए क्या कर सकते हैं, जस्ट सिंपल है, हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, सेंटर का वेट यूज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट है इसको हम सेंटर कर देते हैं। ये देखें आपके पास ये वेट सेंटर में आ गया है। सो यहां तक हमारा तकरीबन वो मेन लेआउट बन गया है, बटन भी उस साइज के हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हमने चेंज करनी है वो है ये बैकग्राउंड का कलर। तो ये बैकग्राउंड में जो कलर नजर आ रहा है ना, तो वो हमने चेंज करना है। तो बैकग्राउंड में हमारे पास जो कलर नजर आ रहा है वो किस चीज का कलर है, वो स्केफोल्ड का कलर है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास व्हाइट है, उसको हमने करना है ब्लैकिश टाइप, सही है। तो स्केफोल्ड में है, स्केफोल्ड में हमारे पास बैकग्राउंड कलर का एक पैरामीटर मौजूद होता है ऑलरेडी, सही है। उसको हम लेते हैं कलर्स डॉट ब्लैक, सही है। इसको मैं कंप्लीटली ब्लैक नहीं कर रहा, थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ इसको सिर्फ, सही है। बट अभी जो टेक्स्ट का वेट था वो यहां से गायब हो गया है, क्योंकि उसका कलर भी ब्लैक था और हमने बैकग्राउंड का कलर भी ब्लैक कर दिया, तो वो नजर नहीं आ रहा। तो हमें करना क्या है, उसका जो कलर है वो हमने चेंज करना है, जो जो टेक्स्ट विजेट है उसका हमने कलर चेंज करना है, सही है। और अगर आप लोग यहाँ पर देख लें, उसका कलर भी चेंज है और जो उसका साइज था वो भी थोड़ा ज्यादा है, सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट का विजेट है क्वेश्चन ये, इसको हम देते हैं, हमारे पास टेक्स्ट विजेट में हमारे पास एक पैरामीटर अवेलेबल होता है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और स्टाइल में आपने क्या देना होता है, टेक्स्ट स्टाइल, सही। अब टेक्स्ट में हमारे पास मल्टीपल चीजें आती है, इसमें टेक्स्ट का फॉन्ट साइज भी है, उसका कलर भी है, बैकग्राउंड कलर भी है, उसका फॉन्ट वेट है, इसकी फॉन्ट फैमिली है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, सही है। इसको मैं करता हूँ कलर्स डॉट वाइट, आपको क्वेश्चन का कलर, आपकी क्वेश्चन का कलर चेंज हो गया है, आपको अभी वो व्हाइट नजर आ रहा है, तो बटन का कलर इज चेंज। अब उसका थोड़ा साइज चेंज करना है, तो फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 20। ये देखिए उसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब इसकी थोड़ी सी बोल्डनेस भी इंक्रीज कर देता हूँ मैं, फॉन्ट वेट जो है इसका, तो फॉन्ट वेट और फॉन्ट वेट डॉट, अब 500 का जो वेल्यू, 500 की जो वैल्यू है वेट की, हमारे पास क्या है वो मीडियम है, सही है। तो फॉर टाइमिंग इसको 500 कर देता हूँ। अभी देखिए उसकी उसकी थोड़ी सी, उसको थोड़ी सी बोल्डनेस मिल गई है, फॉन्ट उसका थोड़ा सा, फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट थोड़ा ज्यादा हो गया है पहले से। आई होप सो कि आप लोगों को कुछ चीजों की समझ आ रही है, तो इसको हम आगे लेके जाते हैं। चलो ये तो हो गया है, क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये बटन के कलर जो है ना वो चेंज करने हैं, सही है। एक इस बटन का कलर ग्रीन है, इसका जो कलर जो है ना वो रेड है, सही। तो जो रेस्ट बटन से हमारे पास ये ट्रू का बटन है, सही है। तो रेस्ट बटन में भी हमारे पास एक ऑप्शन है कलर का, सही है। उस कलर को हम चेंज कर सकते हैं, कलर्स डॉट ग्रीन, उसको मैंने ग्रीन कर दिया, तो ये बटन का कलर चेंज हो गया है। अब दूसरा ये जो टेक्स्ट कलर है ना, यहाँ पे देख लें, टेक्स्ट कलर व्हाइट है और थोड़ा बोल्ड भी है, थोड़ा ज्यादा भी है उसका वेट फॉन्ट। तो ये जो जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ, सही है। तो वही टेक्स्ट स्टाइल हमें यूज करना है। सो टेक्स्ट स्टाइल इज कलर, एंड कलर हमारे पास क्या है, इसको हमने कलर करना है कलर्स डॉट व्हाइट।
उसका कलर चेंज हो गया है, और उसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट वेट भी चेंज करता हूँ और फॉन्ट साइज भी, फॉन्ट साइज और फॉन्ट इसको मैं करता हूँ, फॉन्ट साइज को मैं देता हूँ 15। देखें दोस्तों उसका फॉन्ट साइज ज्यादा हो गया है और फॉन्ट वेट भी उसको फॉन्ट वेट डॉट इसको मैं कर देता हूँ 600। सही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, वो सेमी बोल्ड हो जाएगा, तो उसको मैंने सेमी बोल्ड कर दिया है। सही है, आई थिंक ऑलरेडी सेमी बोल्ड उस वजह से वो चेंज नहीं हुआ, बट एनी हाउ उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। सही है, उसको मैंने थोड़ी सी बोल्डनेस दे दी है। अब ये टेक्स्ट स्टाइल जो था, ये सेम स्टाइल इस नीचे वाले बटन का जो टेक्स्ट कलर है उसमें भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जो स्टाइल है उसमें भी मैं यही सेम सेटअप यूज कर लेता हूँ। सही है, इसको देख लें, उसका कलर भी वाइट हो जाएगा, वाइट जो है उसका वो कलर सही है, आप लोगों को नजर भी नहीं आएगा बट वाइट कलर उसका हो गया है। और ये जो बटन है इसका कलर हमने क्या करना है, इसका कलर हमने रेड करना है। ये देख लें उस बटन का कलर भी रेड हो गया है। सही, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर ये जो आइकन्स हैं उसके कलर का, अगर आप देख लें जो टिक आइकन है उसका कलर ग्रीन है, जो क्रॉस आइकन है उसका कलर रेड है। सही है, तो हमने जो यहाँ पर रो में आइकन्स यूज किए थे ये वाले, सही है, तो इसको इसको मैं कलर कलर भी दे सकता हूँ। सही है, इसको कलर करते हैं कलर डॉट रेड। सही, और दूसरा जो है सो ये ग्रीन होगा, एंड इसको मैं कलर करता हूं कलर डॉट रेड, एक्सेंट हो गया है ये। आप लोगों को जो है ना वो नीचे टिक एंड क्रॉस के आइकन्स भी नजर आ जाएंगे। तो यहां तक हमारा यूआई का जो काम था वो हो गया है। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमने जो डिस्कस किया है उसमें अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, आई एम हियर फॉर योर क्वेश्चंस। तो और किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन शेयर योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, एंड इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन जस्ट गिव मी एन ओके सिग्नल सो सो दैट आई कैन गो अहेड। Which function? Is there any other keyword for the same function? By same function, which function do you mean? I'm not getting your question. Raiz, is there any other keyword for the name for the same function? I don't know what do you mean by same function. I'm waiting for your questions. So if there is any question, you're most welcome. Otherwise, let's go ahead. I will then get your questions at the end of the session. Okay. So isko main hide kar deta hu and this one as well. आई होप सो कि चीजें क्लियर हैं आपके लिए भी। तो अच्छा, सो यहां तक हमारा डिजाइन बन गया है। अब हमने आना है, अब हमने करना क्या है, अभी हमें यहां पर क्वेश्चन चाहिए थे ना, तो क्वेश्चन हर क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी होता है, तो उसके लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ। सही है, ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपडेट हो रही है तो थोड़ी थोड़ी सी पड़ी है, तो हम एक कस्टम डेटा क्लास में अभी यहाँ पर इसके लिए बनाऊंगे। सही है, तो हर एक क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन एसोसिएटेड है और उसका आंसर भी है, तो उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पर क्लास बनाता हूँ। लिप के अंदर हमारा कोड है, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ मॉडल्स के नाम से। सही है, और मॉडल्स में मैं उसको उस क्लास को रखूंगा। सही है, तो मैं रिफिट करके मॉडल्स कर देता हूँ, ये मॉडल्स होंगे, मॉडल नहीं होगा। सो
एंड देन यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ, एक मैं एक डार्ट फाइल क्रिएट करता हूँ, सही है, डार्ट फाइल, उसका नाम क्या रखता हूँ, मैं रखता हूँ क्वेश्चन, सही। सो क्वेश्चन में फिर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, सही है, उसका नाम है क्वेश्चन, और उसके दो पैरामीटर्स होंगे अभी यहाँ पर। वन इज स्ट्रिंग जिसमें हमारा क्वेश्चन होगा, सही है, एंड द सेकंड वन इज बूल उसका आंसर, सही है, मतलब उसका आंसर बूलियन में होगा ना, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सही है, तो हमारे पास उसके लिए दो ऑप्शन है। अब जो दूसरा जो है, मैं कंस्ट्रक्टर इसका कॉल करूंगा, और कंस्ट्रक्टर में हम इसको क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग क्वेश्चन, इसको मैंने क्यू कर दिया है, सही है, और बूल आंसर को मैंने ए कर दिया है, सही है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट क्वेश्चन इक्वल्स टू क्वेश्चन क्यू जो यहाँ पे आ रहा है, एंड दिस डॉट आंसर इक्वल्स टू आंसर इक्वल्स टू ए इन आंसर, सही है। अब ये तरीका, एक तरीका ये है कंस्ट्रक्टर का, सही है, बट फ्लटर इज वेरी स्मार्ट, एंड हाँ यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, सही है, तो इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं जस्ट यहाँ पर दिस डॉट क्वेश्चन, तो ये जो जो कंस्ट्रक्टर अभी मैंने बनाया था ना, इसका सेम मतलब है दोनों का, दिस डॉट आंसर, तो यहां पर मैंने वो क्लास बना दी, सही है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आता हूं, और यहां पर हम होम पेज पे थे ना, तो होम पेज में मैं क्या करता हूं, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, सही है, फाइनल कर देता हूं उसको मैं, चले मैं उसको वार रखता हूं, वार क्वेश्चन इक्वल्स टू क्वेश्चन, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, सही है, तो यहां पर मैं क्वेश्चन पास करूंगा उसको, और वो मैं क्या दूंगा यहाँ पर, दिस इज टेस्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं उसको आंसर दूंगा तो उसको मैं ट्रू कर देता हूँ, सही है। अच्छा ये हम हमने इंपोर्ट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे मसला दे रहा है, उसको हम क्वेश्चन को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, सेव, सही है। तो ये मेरे पास वो क्वेश्चन की, सॉरी इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सो ये मेरे पास वो क्वेश्चन की एक क्लास बन गई है, क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ पर, सही है। क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन है दिस इज अ टेस्ट क्वेश्चन, सही है, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर बूल, बूल में क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बजाय मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन की क्लास ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, क्वेश्चन डॉट, अच्छा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन के बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रिफैक्टर करके इसको मैं टेक्स्ट करता हूँ, सही है, मतलब ये क्वेश्चन का टेक्स्ट है, और ये उसका उसका आंसर है, सही, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट सेव कर लें, ये देखें, अब यहां पर वो जो ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया हुआ है ना, इससे वो वैल्यू आ रही है क्वेश्चन की, सही है, तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन का जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, सही। अच्छा अब यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, सही है, तो इन मल्टीपल क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक अरे चाहिए होगा, सही है, और अगर आप लोगों को याद हो मैंने असाइनमेंट शेयर किया तो उसमें अरे का टॉपिक भी था, वेरिएबल्स का, तो आई होप सो कि आप सबने अरेज को देखे हुए हैं, जबकि फ्लटर फ्लटर के जो अरेज हैं उसको हम लिस्ट बोलते हैं, सही है, तो होप सो आपने लिस्ट को देखा हुआ है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाता हूँ, सही है, इस एक क्वेश्चन की बजाय मैं मल्टीपल क्वेश्चन उसमें डालता हूँ, मैं बनाता हूँ लिस्ट, और लिस्ट का टाइप क्या होगा, क्वेश्चन होगा उसका टाइप, सही है, उसको मैं कर देता हूँ, उसका नाम रखता हूँ क्वेश्चंस, और उसको हम एक अरे ऑफ, ये देखेंगे हमारे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, सही है, लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग रखता हूँ, तो मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस की जो अरे है, क्वेश्चंस की जो लिस्ट है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, तो मैं इसको किस तरह करूंगा, लेट सपोज मेरे पास ये है str1, स्ट्रिंग वन एंड str2, सही है, तो ये हमारे पास ये क्या आएगा, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे, सही है, बट हमें वो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट चाहिए, सो दिस इज क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, इसमें दो, फिर मैं यहां पर क्या करता हूँ, इसे मैं दो क्वेश्चंस डाल देता हूँ,
सही है, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर टू. सही है, दिस इज क्वेश्चन टेस्ट क्वेश्चन वन एंड दिस इज टेस्ट क्वेश्चन टू. उसको मैंने यहां से रिमूव कर दिया. अच्छा, वो कह रहा है कि एरर है, यहां पर मैंने उस क्वेश्चन को यहां पे यूज किया हुआ था. अब यहां पर हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास एक अरे है ना, एक लिस्ट है. सही है, और लिस्ट को हम बाय इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर, तो यहां पर मैं बाय इंडेक्स इसको एक्सेस करके क्या करता हूं, क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस में किस इंडेक्स पे, जीरो पे, जीरो पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसका टेक्स्ट यहां पे शो कर दो. ये देखें, तो जीरो इंडेक्स पे क्या था, क्वेश्चन जीरो था, तो क्वेश्चन नंबर वन था. सही है, तो क्वेश्चन वन आपको दिख रहा है. मैं सब इंडेक्स नंबर वन पे देखता हूँ कि इंडेक्स नंबर वन पे कौन सा क्वेश्चन है. ये देखें, इंडेक्स नंबर वन पे मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर टू, मतलब जीरो इंडेक्स पे वो फर्स्ट और दूसरे इंडेक्स पे जो है वो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है. आई होप सो यहां तक क्लियर है. तो यहां पर अब मैं इसको यहां से मैनुअली अपडेट कर रहा हूँ, बट ये मुझे डायनेमिकली अपडेट करना होगा टाइम टू टाइम. सही है, मतलब क्या, यहाँ पर इस क्वेश्चन बटन पे ऊपर क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पे वो क्लिक करेगा तो वो चेक करेगा कि उसने आंसर सही किया है. अगर आंसर उसने सही किया तो यहाँ पे वो एक टिक ऐड करेगा, अगर आंसर गलत था क्रॉस ऐड करेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन ले आएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक यहाँ पे एक काउंट का वेरिएबल चाहिए जिसको हम अपडेट कर सके टाइम टू टाइम. सही है, तो यहाँ पर उसके लिए मुझे काउंट का एक वेरिएबल चाहिए, इंटीजर काउंट जो स्टार्ट से जीरो होगी. सही है, और यहां पर इसकी बजाय मैं क्या डाल देता हूं, काउंट. सही, अब लेट्स सपोज ये देखें जीरो आ गया है. सही है, तो काउंट की वैल्यू राइट नाउ क्या है, जीरो है, तो यहां पे जीरो शो हो रहा है. क्वेश्चन नंबर जीरो जो है यहां पे आपको दिख रहा है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज, ये तो हो गया. अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो डमी क्वेश्चन है ना. सही है, और दोनों के आंसर हमने क्या रखे हुए हैं, ट्रू एंड ट्रू रखे हुए हैं. दोनों के आंसर हमने यहाँ पे, लेट्स सपोज फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड को मैं फॉल्स कर देता हूँ. सही है, अब करना क्या है, अब करना ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन शो हो रहा है उसका हमने यहाँ पे उसका आंसर लेना है. सही है, तो मैं यहाँ पर जो आंसर का टैब है, जो बटन है, बटन में यहाँ पर मैं एक चेक लगाऊंगा. यहाँ पर मैं देखूंगा जो जो आंसर उसने किया है. लेट सपोज मैं क्या देखूंगा यहाँ पर, एफ क्वेश्चंस ऑफ काउंट, मतलब जो करंट काउंट चल रहा है. सही है, अगर वो उसका जो आंसर है अगर वो इक्वल्स टू ट्रू है. सही, तो मतलब क्या हुआ इसका, उसका आंसर सही है. I will come to the questions later on. सही है, थोड़ा सबर करते हैं उसके लिए. क्वेश्चन आपके मैं आंसर करता हूँ, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूँ. तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चंस की जो अरे है उसमें जीरो नंबर पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर ट्रू है. सही है, मतलब यहाँ पर हमने ट्रू सेलेक्ट किया है ना, सॉरी मैं फॉल्स में लगाऊ, फर्स्ट में ट्रू वाला करता हूँ फिर फॉल्स में आता हूँ. सही है, सो दिस इज ट्रू, यस. तो अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं उसका मतलब ये कि हमारा हमने आंसर कौन सा चूज किया है, हमने इसका आंसर ट्रू चूज किया है. हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो करंट क्वेश्चन है उसका आंसर अगर इक्वल टू ट्रू है तो आप क्या प्रिंट करें यहाँ पे. तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं करेक्ट आंसर, मतलब हमने आंसर करेक्ट किया है. सही, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से. और अगर हमने गलत आंसर किया तो उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे करेक्ट, सॉरी रॉन्ग आंसर. और सेम लॉजिक को हम यूज करेंगे यहां पर जो दूसरा रजिस्टर बटन है उसमें, बट यहाँ पे अगर वो फॉल्स बटन पे क्लिक करता है तो मतलब वो इसका मतलब क्या है कि वो अपना आंसर फॉल्स चूज कर रहा है. सही है, तो फॉल्स उसका आंसर चूज कर रहा है. तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स. तो लेट सपोज ने जो आंसर चूज किया क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की उसने आंसर फॉल्स चूज किया है, हम क्या करते हैं जो करंट क्वेश्चन है उसका आंसर अगर वो इक्वल टू फॉल्स है तो मतलब इसने आंसर सही दिया है.
सही है। और अगर उसने फॉल्स सेलेक्ट नहीं किया, ट्रू सेलेक्ट किया है, तो मतलब उसका आंसर गलत है। सही, यहां तक तो हम आ गए हैं। सही, यहां पर हम आंसर चेक करते हैं, उसके बाद फिर हमने क्या क्या करना होगा यहां पर। लेट सपोज मैं चूज करता हूँ ट्रू, सही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, ना क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ना यहाँ पर मुझे मेरे साथ यहाँ ये चीजें अपडेट हो रही है। सही है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है ऊपर जो काउंट का वेरिएबल है उससे मुझे अपडेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। सही है, तो काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा मतलब, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको काउंट प्लस प्लस कर देते हैं। काउंट प्लस प्लस भी कर दिया है, बट स्टिल यहाँ पे क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा। सही है, और उसकी क्या वजह हो सकती है, उसकी जो वजह है उसकी तरफ हम आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन, ये जो काउंट काउंट की वैल्यू है ये इंक्रीमेंट हो रही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट काउंट इज डॉलर काउंट, इसको मैं यहां पर रिप्रिंट कर देता हूँ ऊपर, आपको जस्ट दिखाने के लिए कि ये देखें वैल्यू अपडेट हो रही है, बट वहां पे हमारा क्वेश्चन अपडेट नहीं हो रहा। इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ, ये सारी वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो गया। ओके, तो लेट सपोज मैंने ट्रू सेलेक्ट किया है, करेक्ट आंसर वो कुछ नहीं बता रहा कि क्या है, और काउंट की वैल्यू क्या हो गई है, काउंट की वैल्यू अपडेट हो गई है 1, जबकि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे थे, यहाँ पे देखें हमारा जो टेक्स्ट का विजेट था, जो क्वेश्चन का विजेट है, यहाँ पर क्वेश्चंस ऑफ काउंट डॉट टेक्स्ट, तो अभी मुझे स्टिल वो क्वेश्चन नंबर जो 0 था उसका टेक्स्ट दिखा रहा है, हालांकि ये काउंट की जो ये वैल्यू है ये अपडेट हो गई है। सही है, ये देखें उसकी वैल्यू अपडेट हो गई है, इसको मैं ये देखें उसकी वैल्यू 2 हो गई है अभी। सही है, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन अपडेट नहीं हो रहा, और उसकी वजह ये है कि ये जो विजेट हमने यूज किया है यहाँ पर, ये जो होम पेज का विजेट है ये स्टेटलेस है, और स्टार्ट में आपको मैंने बताया था जब हमारे पास स्टेटलेस विजेट होता है तो जो यूआई होता है वो हम रन टाइम पे उसमें अपडेट नहीं कर सकते, और उसकी वजह ये है कि स्टेटलेस का विजेट का जो बिल्ड फंक्शन है ना, ये जब आपका यूआई बिल्ड करता है तो उसके बाद बार बार कॉल नहीं होता। सही है, जब आपका यूआई रेंडर करता है उसके बाद बार बार कॉल नहीं होता, जबकि स्टेटफुल विजिट जो होता है उसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं, जो बिल्ड का फंक्शन है, तो जब बिल्ड का फंक्शन कॉल होता है तो आपका यूआई अपडेट होता है, और यहाँ पर हम बिल्ड का फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं तो हमारा यूआई अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटलेस विजिट में हम बिल्ड का फंक्शन सेकेंड टाइम कॉल नहीं होता, जस्ट वन टाइम ही कॉल होता है। सही है, तो हम इसको फर्स्ट क्या करेंगे, इसको हम स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। सही, शॉर्टकट कौन सा था, आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपका, लेट सपोज यहाँ पे आएंगे ना आल्ट इंटर प्रेस करें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको आपने स्टेटफुल में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसको तो मैंने, अच्छा अभी तो मैंने उसको स्टेटफुल विजेट में ला दिया है, बट अभी देखते हैं कि उसका क्वेश्चन अपडेट हो रहा है या नहीं, स्टार्ट हो रहा है अभी भी, देखें अभी भी काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन अपडेट नहीं हो रहा, मतलब ये देखें ये जो काउंट की वैल्यू है ये वैल्यू ये अपडेट हो गई है, बट ये जो क्वेश्चन हमें वही वही एग्जैक्टली जो क्वेश्चन नंबर 0 था उसका दिखा रहा है। सही है, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें ये असल में ये बिल्ड का फंक्शन दोबारा कॉल करना होगा ताकि हमारा यूआई अपडेट हो जाए। सही है, तो बिल्ड का फंक्शन हम कैसे दोबारा कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है उसको हम कॉल करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम बटन प्रेस होता है ना, वहां पे हमने वो फंक्शन कॉल करना है। सही है, उसको हम बोलते हैं सिट स्टेट, सेट स्टेट आप कॉल करेंगे ना तो आपका जो यूआई है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने सेट स्टेट कॉल करना है, और फॉल्स के केस में भी हमने यहाँ पर सेट स्टेट कॉल करना है। अब देखते हैं, इसमें हमारे पास एरर आ गया क्योंकि हमारे पास जो अरे का जो लिमिट है उससे ज्यादा चला गया वैल्यू, इसको मैं दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ। सही है, अब यहाँ पर देखें हम 0 इंडेक्स में है ना, अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सही है, अब होता क्या है, यहाँ पर हम काउंट प्लस प्लस करते हैं ना, फिर सिट स्टेट कॉल करते हैं, जब सिट स्टेट कॉल होता है तो ये जो बिल्ड का फंक्शन है सिस्टम इसको दोबारा कॉल करता है, सिट से जो हम कॉल करते हैं ना
तो ये बिल्ड का फंक्शन दोबारा से कॉल होता है और हमारा जो यूआई है उसको दोबारा से अपडेट कर देता है, बट पूरे स्क्रीन को अपडेट नहीं करेगा, जहां पर चेंज आया है ना जस्ट उसको दोबारा से री अपडेट करेगा। क्लियर? आई होप सो इट्स क्लियर। सो यहां तक तो हो गया, हम क्वेश्चन को अपडेट कर सकते हैं, सही है। और आंसर हमने चेक करना था कि आंसर हमारा कौन सा है, आंसर हमारा ठीक है या गलत है। अच्छा ओके, इसको मैं इसमें कुछ क्वेश्चन में थोड़ी ज्यादा डाल देता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। इसका भी सपोज मैं ट्रू आंसर करता हूँ, इसका ट्रू है, इसका भी फॉल्स है। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे है ना, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसको मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4 है, इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ फर्स्ट। यहाँ पे आपको देखें अभी हम क्वेश्चन नंबर 0 पे है, जब मैं ट्रू प्रेस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 0 का जो आंसर है वो क्या है, ट्रू है ना। जब मैं ट्रू प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आना चाहिए, ये देखें करेक्ट आंसर, कि मतलब इसका आंसर भी ट्रू है और यहाँ पर मैंने ट्रू चूज किया है तो मतलब उसका आंसर ठीक है, सही है। अब सेकंड आंसर जो करेक्ट आंसर क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पर मैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, इसको मैं चेक करता हूँ ट्रू, ये देखें अगेन वो करेक्ट आंसर बता रहा है, सही है, हमारा आंसर करेक्ट था। अब जो थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका असल आंसर, इसका ट्रू आंसर क्या है, ट्रू है, बट यहाँ पर ट्रू के बजाय मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, फॉल्स। ये देखें क्या बताएगा मुझे, कि आपने रॉन्ग आंसर किया है, आपका आंसर रॉन्ग है, सही है। अब जब हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा तो हमने यहाँ पे टिक ऐड करना है, जब हमारे पास ये रॉन्ग आंसर आएगा तो हमने यहाँ पर क्रॉस ऐड करना है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट चाहिए, सही। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो 2 विजेट्स हैं इनको मैं इनके इनके मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ, सही है। स्टार्ट में यहाँ पर मैं बनाता हूँ वार टिक, इसको मैं करता हूँ विजेट, विजेट भी हमारे पास एक टाइप है, सही है। और हमारे पास चलो इसको मैं करता हूँ वेरिएबल करता हूँ, इसको मैं करता हूँ टिक इक्वल्स टू, सही है। ये हमारे पास टिक हो गया है, इसको मैं करता हूँ क्रॉस, इसको मैं कर लेता हूँ, इसका कलर हमने करना था रेड, और इसको मैं करता हूं क्लियर। तो एक आइकन का कलर क्या है और क्रॉस आइकन का कलर क्या है, सही है। अब दूसरा जो हमने करना है, ये जो टिक एंड क्रॉस है इसकी एक लिस्ट बनानी है ना, वो लिस्ट हम यहाँ पे शो करेंगे, सही है। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और उसको मैं करता हूँ लिस्ट ऑफ विजिट्स में बनाऊंगा यहाँ पर, सही है, लिस्ट ऑफ विजिट्स, उसके मैं करता हूँ आंसर्स, आंसर्स, और स्टार्ट में उसको मैं एम्प्टी एरे दे देता हूँ, सही है। इसका मतलब है इसको हम एम्प्टी एरे असाइन कर रहे हैं, मतलब इस आंसर में कोई ना कोई टिक है ना कोई क्रॉस है, सेव कर लें, सही है। और ये जो विजिट है ना, ये यहाँ पर इस लिस्ट के बजाय हम उसको यूज कर लेते हैं, सही है। इसको मैं क्या करता हूँ आंसर्स, सही। अब आंसर मेरे पास कोई भी नहीं है तो उस वजह से यहाँ पर मेरे पास कोई आंसर शो नहीं हो रहा, सही है। अब मैं करता क्या हूं, यहां पर जब आंसर करेक्ट आएगा तो करेक्ट आंसर यहां पर प्रिंट करने के बजाय मैं क्या करता हूं, जो आंसर्स की जो लिस्ट है, आंसर्स की जो लिस्ट है उसमें मैं वैल्यू ऐड करता हूं। लिस्ट में हम वैल्यू किस तरह ऐड करते हैं, ऐड का जो फंक्शन है उसके थ्रू हम लिस्ट में ऐड वैल्यू ऐड करते हैं, सही है। इसमें क्या ऐड करता हूं, टिक, सही। और जब मैं यहां पर रॉन्ग आंसर आएगा तो मैं क्या ऐड करूंगा, इसमें क्रॉस ऐड करूंगा, सही है। एंड सेम फॉर दिस वन एज वेल, करेक्ट आंसर जब होगा तो मैं टिक ऐड करूंगा और जब रॉन्ग आंसर होगा तो मैं क्रॉस ऐड करूंगा। यहां तक क्लियर है, आई होप सो क्लियर। चलिए क्या क्या बता रहा, अच्छा इंडेक्स जो है ना वो आउट ऑफ लिमिट जा रहा है, इस इंडेक्स की वैल्यू को भी हम एडजस्ट करेंगे, सही है। अब ये देखिए मेरा मेरा आंसर सही था,
वी आर ऑन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 0 का करेक्ट आंसर क्या है, ट्रू था तो उसका आंसर ट्रू यहां पे देखें टिक आ गया। सेकंड का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 2 का एक्चुअल आंसर क्या है फॉल्स है, तो मैं यहां पे फॉल्स चूज करता हूं तो टिक आ रहा है। अब इसका आंसर क्या है ट्रू है तो ट्रू की वजह में 3 ये देखें क्रॉस आ गया, और अगेन इसका क्या है फॉल्स का आंसर फॉल्स है 4 का, और मैंने कर दिया। लेकिन अब यहां पे मसला आता है कि इंडेक्स, असल में इंडेक्स हमारे पास यहां पे वैल्यूज कितने हैं 4 सही है, और हम फिफ्थ इंडेक्स पे चले जाते हैं तो उसकी वजह से ये एरर यहां पे आ रहा है। तो हम मैं क्या करता हूं यहां पर इसको आप लोगों ने जो है ना खुद से टी करना है, ये इंडेक्स का जो मसला है सही है, इंडेक्स का मसला आपको खुद रिजॉल्व करना है, उसको मैं रिजॉल्व नहीं करता। ये चलो मैं करता हूं इसको रिजॉल्व करूंगा मैं खुद, लेकिन आपको समझो समझा भी देता हूं। ये चलो ये मैं नहीं समझाता हूँ, ये आप लोग खुद करेंगे सही है। आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन डाले थे ना, अब यहाँ पर मेरे पास इस प्रोजेक्ट में ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद है ना, डमी क्वेश्चन है मेरे पास, तो उन डमी क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूँ। सही है, मैं इन सारे डमी क्वेश्चन को उठा के यहाँ पर इस अरे में एड कर देता हूँ। तो यहां तक हमारा ये प्रोजेक्ट बन गया है। अच्छा अब इसमें एक मसला है, ये जो टेक्स्ट है ना बिल्कुल लेफ्ट पे आ रहा है सही है, तो इस टेक्स्ट को हम एडजस्ट करते हैं सही है क्वेश्चन का जो टेक्स्ट का, तो ये हमारे पास वो क्वेश्चन वाला विजेट है सही है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एक जो पैरामीटर है उसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट सही है, टेक्स्ट अलाइन, और इसको हम टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, सेंटर में अलाइन कर दे तो आपका ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। तो यहां तक हमारा ये हो गया है, लेट सपोज का आंसर क्या है करेक्ट, ये ट्रू है ये क्रॉस है ये देखें इसका आंसर सही, आप आंसर कर रहे हैं तो उसका आपका टिक आएगा, जो आंसर गलत कर रहे हैं उसका क्रॉस आएगा, और एंड में ये ओवरफ्लो हो जाएगा जो अरे हमारे पास है ना, तो अरे की लिमिट ये देखें अब यहाँ पर अरे की लिमिट ये क्या कह रहा है रेंज फ्रॉम 0 to 12 यहाँ पे हम 13 सेलेक्ट कर रहे हैं सही है, तो क्योंकि अरे का जो है ना आउट ऑफ इंडेक्स है ये, तो आउट ऑफ इंडेक्स का इशू आप लोगों को खुद खुद रिजॉल्व करना है, या इसका एक एल्गोरिथम है छोटा सा, जब आपके पास जो वैल्यू आउट ऑफ लिमिट जा रही हो तो उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है, वो आपके लिए एक टास्क हो गया, वो आप लोग खुद करेंगे, उसको मैं यहाँ पे चूज नहीं आपको मैं समझाऊंगा नहीं, बट के मैं करके दे दूंगा सही है, जो कोड मैं अपलोड करूंगा उस कोड में ऑलरेडी वो ठीक होगा, मैं उसको सही कर दूंगा, बट आप लोग वहां पर देखने से पहले आप लोग खुद ट्राई करें इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा जो क्विज का एप था वो बन गया है, अब आपके आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके मींस के रेस्ट बटन के लिए कोई और कीवर्ड हो सकता है या जो वही काम करते हैं करें जो रेस्ट बटन कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली रईस, हमारे पास और भी बटन्स हैं हम यूज कर सकते हैं रेस्ट बटन के अलावा, जो आप आई थिंक फंक्शन की बात कर रहे हैं ऑन प्रेस्ट की, तो ऑन प्रेस्ट आपने वही पास करना है उसको, सेम कीवर्ड आपने पास करना है, कोई और कीवर्ड उसको पास नहीं कर सकते क्योंकि इसको हम बोलते हैं नेम्ड पैरामीटर्स बोलते हैं, इसको मैं आगे सेक्शन में इंशाल्लाह इसको मैं सेशन में कभी मौका मिला इसको मैं डिस्कस भी कर दूंगा, बट इसको नेम्ड पैरामीटर्स बोलते हैं, और नेम्ड पैरामीटर्स में ये है कि आपको वही नेम देना होता है उसको, तो आपने सही जो ऑन प्रेस्ट का जो कीवर्ड है जो कीवर्ड एग्जैक्टली वही यूज करना होगा आपको सही। यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, कहीं भी आपको समझ नहीं आई कहीं पे कोई कंफ्यूजन है कोई चीज आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो आपको मैं रिपीट कर दूंगा, तो आई एम हियर फॉर योर क्वेश्चंस मोस्ट वेलकम। गॉट इट, दैट्स ग्रेट, यू गॉट इट, ऑलवेज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन then let's wind up this session for now. I hope you don't have any question until now. ये code आप लोगों के साथ share हो जाएगा, but already जो GitHub repository आपको मिली हुई है जो आपको मैंने दी है जो कि Google Classroom में posted है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं इसको।
until now, this is all what we had for today.